ओ हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. गाइस, आज की वीडियो होने वाली है माय फुल डे ऑफ ईटिंग. सो फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से मैंने अपने मील्स को प्लान किया है, कौन कौन से मील्स मैं कंज्यूम करता हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मील, दैट इज द ब्रेकफास्ट, टू द लास्ट मील डिनर, सारे के सारे आपको मैं मील्स दिखाने वाला हूँ, मील्स की प्रिपरेशन आपको बताने वाला हूँ. वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो अभी अभी जस्ट सो के उठा हूँ, तो पहले फ्रेश होता हूँ एंड उसके बाद में विल स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, दिस इज माई फर्स्ट मील ऑफ द डे. तो मैं बता देता हूँ व्हाट्स ऑन द प्लेट. ये मेरे पास में ओट चीला है, और इसकी अगर मैं मेकिंग की बात करूं, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने यूज किए हैं 3 होल एग्स यूज किए हैं और 4 मैंने एग वाइट्स यूज किए हैं. अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ मैंने ओट्स यूज किए हैं, रॉ ओट्स. एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर पालक के पत्ते, स्पिनच लीव्स, ये मैंने लिया. और थोड़ा सा अगर आपको सॉल्ट ऐड करना है, यू कैन ऐड सॉल्ट. उसको सिंपली आपको ब्लेंड करना है, एंड देन जैसे हम गैस पे अपना नॉर्मल चीला बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, उस तरीके से मैंने इसको बनाया है. एंड साथ में मेरे पास में क्या है, साथ में मेरे पास में है ग्रीन वेजीज, अ पोर्शन ऑफ द ग्रीन वेजीज. इसके अंदर डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्च है, भिंडी है, गोभी है, बीन्स है. एंड इसको आप स्टेयर फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉटे कर सकते हैं, रोस्ट करना है रोस्ट कर सकते हैं आप. सो आप देखेंगे गाइस, थ्रू आउट द डे जितने ही मेरे मील्स होंगे उसके अंदर एक पोर्शन ग्रीन वेजिटेबल्स का रहने ही रहने वाला है. रीजन बीइंग, दीज आर लो ऑन कैलोरीज, एक्सट्रीमली इनके अंदर जो कैलोरीज होती है एक्सट्रीमली लो होती है. साथ ही इनके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं तो आपको बाल मूवमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे ये बहुत ज्यादा रिलीफ कराएगा. और फाइबर होने की वजह से आपको एक फुलनेस की फीलिंग देगा, मींस आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी. नेक्स्ट मेरे पास में है यहाँ पर अ कप ऑफ अ कॉफी. सो ये कॉफी है सिंपल, मैंने डबल टोन मिल्क लिया है. एंड दिस इज समथिंग जो चेंज होता रहता है, कभी चाय भी ले लेता हूँ मैं, कभी मैं ग्रीन टी भी ले लेता हूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मील ऑफ द डे. इसको मैं कंप्लीट करता हूँ और आपके साथ मिलता हूँ अपने नेक्स्ट मील ऑफ द डे में. सो गाइज, दिस इज माई सेकेंड मील ऑफ द डे. एंड दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है मेरे पास में यहाँ पर. सो आई हैव गॉट सम हैंडफुल ऑफ नट्स है मेरे पास में. 4 बादाम मैंने लिए हुए हैं, 4 पिस्ता है, 4 काजू है, सब रेजन्स मीन्स किशमिश है. यहाँ पर मेरे पास में फ्रूट में एक ऑरेंज है. एंड वंस अगेन, फ्रूट इज समथिंग विच चेंजेस ऑन डेली बेसिस. किसी दिन मैं कीनू ले लेता हूँ, किसी दिन मैं ग्रीन एप्पल ले लेता हूँ, सम डेज मैं थोड़ा सा पपाया भी ले लेता हूँ. सो फ्रूट ऐसा लेता हूं मैं विच इज लो इन कैलोरीज एंड दिस इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एज वेल. एंड नेक्स्ट मेरे पास में यहाँ पे है प्रोटीन शेक. एंड जो मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ वो अपना दूध में ही प्रेफर करता हूँ. इनफैक्ट गाइज, मैं एक चीज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनको दूध में लेना है अपना प्रोटीन शेक या फिर उन्हें पानी में लेना है, कैसे लेना है. सो गाइज, जहां तक रही मेरी बात, थ्रू आउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जितनी मैंने दिन ये ट्रांसफॉर्मेशन की है, मैंने हमेशा अपना प्रोटीन शेक दूध में ही लिया है. मैंने कभी पानी में लिया, बी एट प्री वर्कआउट, बी एट पोस्ट वर्कआउट, मैंने हमेशा दूध में ही प्रेफर किया है. एंड रिसर्च भी इस चीज को सपोर्ट करती है. सो जो लोग आपको उल्टा सीधा इन्फॉर्मेशन देते हैं, डोंट गो विद दैट थिंग, गो विद व्हाट द रिसर्च इज. डजंट मैटर आप दूध में ले, आप पानी में ले, प्रोटीन विल ऑलवेज रिमेन प्रोटीन. आपकी पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट मैटर करती है. सो गाइज, मैं इस मील को भी इंजॉय करता हूँ, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट मील में. सो गाइज, दिस इज माई थर्ड मील ऑफ द डे. तो एक बार बता देता हूँ आपको मैं क्या क्या ले रहा हूँ इस टाइम पर. तो यहाँ पर मेरे पास में एग्स हैं, तो टोटल मेरे पास में 8 एग्स हैं, जिसमें से मेरे पास में 2 होल एग्स हैं और 6 एग वाइट्स हैं. और गाइज, यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे जो टोटल दिन की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो मेजरली डिपेंडेंट है ऑन द एग्स एंड द प्रोटीन शेक्स. रीजन बींग्स, मैं एग्स के अलावा और किसी भी तरीके का नॉन वेज मीन्स मटन हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ये नहीं कंज्यूम करता हूँ. इसलिए मुझे दिन के ऑलमोस्ट 20 to 25 एग्स कंज्यूम करने पड़ते हैं.
ट्यूजडेज को तो मैं एग्स भी नहीं खा पाता हूँ, तो उस दिन मेरे को सारे जितने भी एग्स होते हैं उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 100 to 120 ग्राम्स ऑफ द पनीर से मैं उसको रिप्लेस करता हूँ, या टोफू ले लेता हूँ, न्यूट्रेला जो होती है सोया की बीन की बढ़िया होती है उससे रिप्लेस करना मुझे पड़ता है। एंड एक और चीज जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि गाइज जब भी आप अपना मील प्लान बना रहे हैं उसको आप मील प्लान के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आपका जो प्रोटीन आ रहा है वो होल फूड से आए। मींस जब मैंने अपना डाइट प्लान बनाया था तो उसके अंदर प्रोटीन मैंने कंसिडर किया था पहले सारे के सारे एग्स से, देखो मैं कितने एग्स खा सकता हूँ। उसके बाद में जो मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, नेक्स्ट नट्स मैं कितने ले सकता हूँ। एंड वंस मेरे को पता लगे कि हाँ मैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को इतने से नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर रह गया, तो तब मैंने कंसिडर किया कि मुझे हाँ प्रोटीन शेक्स लेने चाहिए, मुझे प्रोटीन पाउडर भी ऐड करना चाहिए। तो इसको अदर वे नहीं करना है। अक्सर लड़के क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि पहले तो प्रोटीन पाउडर कंसिडर करते हैं उसके बाद में होल फूड्स को कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं करना है। सो गाइज नेक्स्ट बता देता हूँ आपको क्या क्या है मेरे पास में यहाँ पर। यहाँ पर वंस अगेन वन पोर्शन ऑफ द ग्रीन वेजीज, इनको दोबारा रोस्ट किया हुआ है मैंने, जैसे बताया कि मेरे मील्स के अंदर ग्रीन वेजीज होती है। एंड दिस इज समथिंग स्पेशल, ये मैं बता देता हूँ, दिस इज समथिंग जिससे मेरी शुगर की जो क्रेविंग्स होती है, मीठा खाने का जब दिल करता है तो वो इससे पूरा होता है। ये क्या है, एंड ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर है। ये क्या है गाइज, ये मैंने यहाँ पर एक बोल में ग्रीक योगर्ट लिया हुआ है एंड उसके अंदर मैंने थोड़े से पीसेज ऐड किए हैं ऑफ द पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को छोटे छोटे पीसेज में मैंने उसको कट करके ऐड कर लिया है एंड अ स्कूप ऑफ द वे प्रोटीन। वे प्रोटीन का एक स्कूप मैंने ऐड किया है और उसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अगर थोड़ा सा आपको मीठा कम लगता है आप इसके अंदर स्टीवी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं एंड बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। सो गाइज फिलहाल मैं अपने इस मील को खत्म करता हूँ। दिस ऑल्सो हैपन्स टू बी माई प्री वर्कआउट मील, अपने वर्कआउट से ऑलमोस्ट एक सवा घंटा पहले मैं कंज्यूम करता हूँ, इसके बाद में डायरेक्टली आई विल बी गोइंग विद माई वर्कआउट। तो लेट मी फिनिश दिस और मिलता हूँ आपको अपने लास्ट मील ऑफ द डे में जो मेरा वर्कआउट के बाद वाला होगा। तो गाइस जबरदस्त वाला वर्कआउट खत्म हो गया है, टाइम फॉर माय पोस्ट वर्कआउट व्हिच आल्सो हैपेंस टू बी द लास्ट मील ऑफ द डे। तो बता देता हूं आपको क्या क्या है, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जैसा मेरा प्री वर्कआउट मील था। यहां पर मैंने लिए हुए हैं 6 एग्स और सारे के सारे एग वाइट्स हैं, इसमें एक भी होल एग नहीं मैंने लिए इस बार। एंड वंस अगेन अ पोर्शन ऑफ द ग्रीन वेजीज, जैसा मैंने बताया कि ग्रीन वेजीज तो हमेशा रहेंगी रहेंगी, सो पोर्शन ऑफ द ग्रीन वेजीज वंस अगेन रोस्टेड। एंड एक स्कूप मेरा यहां पर है वे प्रोटीन, सो ये मैंने वंस अगेन दूध में लिया हुआ है। And this will be the last meal of the day. And that's it, guys. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद वाला जो वीडियो होने वाला है guys, वो सप्लीमेंट्स के ऊपर होने वाला है कि कौन कौन से मैंने सप्लीमेंट्स यूज किए थे अपने फैट लॉस जर्नी में। एंड गाइज there is a reason कि मैंने ये वाला सीक्वेंस फॉलो किया कि पहले मैंने आपको डाइट प्लान दिया है, पहले मैंने आपको फुल डे ऑफ ईटिंग किया, उसके बाद में मैं सप्लीमेंट्स वाले लाने वाला हूँ। रीजन being guys, पहले आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना है। जब तक अपनी डाइट को ध्यान नहीं सही नहीं करते तब तक सप्लीमेंट्स कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार अपनी डाइट को ध्यान में रख ले, बिल्कुल सही कर लेते हैं, उसके बाद में कम्स द रोल ऑफ द सप्लीमेंट्स। सो गाइज मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को गाइज लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और जरूर शेयर करके जाना। बाय गाइज, टेक केयर।